आज मैं आपको रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट और आपको मैं फर्स्ट टाइम अगर आप अपना घर लेना चाह रहे हो तो मैं आपको कुछ 10 पॉइंट हैं जो आप हमेशा जहन में रखें कि मुझे ये चीज़ यानी उस पर ध्यान देना है। पहली चीज़ आपका माइंड सेट है, आप ये डिसाइड करें कि आपको घर अपने यानी फर्स्ट टाइम आपको लेना है पहली दफ़ा, या आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो, जो भी आपको यानी आपको पहले डिसाइड करना है, राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है लोकेशन, यानी आपको लोकेशन ढूंढना है कि कौन सा लोकेशन आपके लिए अच्छा है, राइट। जैसे स्कूल आपके बच्चों के लिए नज़दीक हो, कौन सी स्कूल की रैंकिंग क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल कि आप देखिए कौन सी स्कूल की रैंकिंग अच्छी है जो आप वहाँ जाके घर लें। आपका जॉब और आपका काम और आपका जो है उससे कितने फासले पे वो घर है, कितना टाइम लगता है ट्रैफिक में आने जाने का, आपकी आपका रिलीजियस मॉस्क कितना दूर है, अपन अपनी मस्जिद नमाज पढ़ने अपन जाते हैं आते हैं तो वो कितना दूर है, वो टाइम कम्यूट कितना होता है। दूसरा ये कि आपका जो पार्क नियर बाय कितना है, कोई मॉल नज़दीक है, हमें हर चीज़ अवेलेबल है, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो हमको मिल जाए। तो लोकेशन का यानी सर्वे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है नेगोशिएट। नेगोशिएट का मतलब है आप कैसे बारगेनिंग कर सकते हैं, कितनी प्राइस आपको ऑफर करनी है घर के लिए, आपको कितने का घर लेना है, तो ये आपको ज़रा डिसाइड करना है कि कौन सी प्राइस आपके लिए बेहतर है, राइट। सही, तो ये मेक श्योर करना है कि प्राइस आपके लिए बेहतर हो। थर्ड पे दूसरी नंबर चौथी चीज़ है डाउन पेमेंट कितना देना है आपको। आपको 20% डाउन डालना है या आपको 5% डाउन डालना है। अगर आप 5% डाउन डालते हैं तो आपको जो CMHC का जो इदारा है गवर्नमेंट का, जो 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 मॉर्गेज मॉर्गेज कॉरपोरेशन है, उसकी आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, इसके बाद आपको बैंक वो लोन देगा, तो वो तकरीबन 4% जो है उनका इंश्योरेंस चार्जेस होता है। अगर आप 20% डाउन डालते हैं तो फिर आपको जो है वो आपको जो है CMHC की इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक जो है ना आपको जो है ना अप्रूव कर लेगा वैसे विदाउट इंश्योरेंस के, मतलब उसके लिए जो CMHC जो है गवर्नमेंट का इदारा है जो अपने गारंटी देता है बैंक को कि डेट अगर ये बंदा या ये आदमी अगर नहीं पे करेगा तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट पर्सन। मॉर्गेज टर्म जो है वो है कि मॉर्गेज टर्म कौन सी लेनी है, आपको वेरिएबल पे जाना है, आपको फिक्स पे जाना है, ये बहुत बड़ी इसका लॉन्ग इस पे डिस्कशन हो सकती है कि आपको वेरिएबल रेट आजकल आपके लिए बेनिफिट है या आपके लिए जो है वो मतलब फिक्स रेट आपके लिए बेनिफिट, ये आपको मॉर्गेज ब्रोकर डिसाइड करके बताएगा कि कौन सा रेट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है और कितनी पेमेंट मंथली आएगी। फिर है लोन पीरियड, आपको 25 साल में लोन पे करनी है, आपको 20 साल में लोन पे करनी है, तो उसी हिसाब से आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट होगी। तो मेक श्योर करना कि जितना कम पीरियड होगा मॉर्गेज पेमेंट करने का उतनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होगी। क्लोजिंग कॉस्ट, जब आप घर लेते हो तो क्लोजिंग कॉस्ट होती है, ऐसी क्लोजिंग कॉस्ट लॉयर की फ़ीस होती है जो समटाइम 1500 भी हो सकती है, और फिर इंस्पेक्शन की होते हैं, आपका घर का इंस्पेक्शन कराना पड़ता है कि आपको होम इंस्पेक्टर हायर करना पड़ता है जो पूरा यानी HVAC प्लम्बिंग एवरीथिंग आपका जो है घर का फाउंडेशन है ये कैसा है सब चीज़ें वो चेक करता है और आपको बताता है कि ये घर आपके लिए कितना
कितना बेनिफिट है और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या नहीं है। और अभी ये तो सिर्फ घर लेना नहीं है, इसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस भी है और बहुत सारे खर्चे भी आते हैं। जैसे आपको ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है ताकि मंथली आपका कितनी पेमेंट आएगी आपकी इनकम के हिसाब से। प्रॉपर्टी टैक्स है गवर्नमेंट का जो आपको हर महीने देना होता है। फिर इंश्योरेंस होता है घर का, कॉन्डो अगर आपका है तो उसका थोड़ा कम इंश्योरेंस होता है क्योंकि कॉन्डो का अपना इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन अगर आपका अलग हाउस है तो आपका इंश्योरेंस ज़्यादा होता है मंथली। और बाज़ औक़ात बाज़ एरिया में जो है ना होम ओनर एसोसिएशन फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है। कॉन्डो मेंटेनेंस, ये कॉन्डो है तो कॉन्डो की मेंटेनेंस फीस होती है मंथली, जिसमें पानी कभी शामिल होता है कभी पानी नहीं भी शामिल होता है। बाज़ कॉन्डो फीस में इलेक्ट्रिक शामिल होती है बाद में नहीं होती। तो ये आपको सारी चीज़ें आपको यानी देखनी है कि मुझे मेरी मंथली पेमेंट कितनी आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी है। अगर आप खुद मैनेज नहीं करते हो तो आपको मैनेजमेंट कंपनी हायर करनी पड़ती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि मैनेजमेंट कंपनी जो है ना वो कितना चार्ज करती है। तो इसके बाद आपको ये देखना है कि आप अगर रेंटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कौन सी एरिया में रेंट कितना है। तो ये मोस्ट क्योंकि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी होगी, आपको कुछ बचेगा भी या नहीं बचेगा। और आखिर में आपको मैं ख़ास करके जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए मुझे ये बताना है कि वो जब किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो मेक श्योर करें कि वो अपना जो है रेट ऑफ रिटर्न यानी आपको कितनी बचत होती है कॉन्डो फीस देने के बाद, खर्चे निकालने के बाद, रेंट मिलने के बाद सब चीज़ें, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। रेट ऑफ रिटर्न से मुराद है यानी कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, और 20 ईयर के बाद आप बेचोगे तो कितना होगा NOI, आपको आपका आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, आपका खर्चा कितना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है आपकी, और कैश ऑन कैश रिटर्न कितना है। आपने 20,000 रुपये 1,00,000 की प्रॉपर्टी पे 20% डाउन डाला है तो उस पर आपको मंथली कितना बच रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट बच रहा है। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट आपके अंदर वीडियो में। और मेरा इंट्रोडक्शन यह है कि मेरा नाम रहीम अब्दुल है और मैं रिमेक्स एक्सीलेंस के अंडर मैं मतलब रियलेटर हूँ। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए और मेरी वेबसाइट है rahim.abdul.net remix.ca। थैंक यू। और आपने मुझे सुना और मेक श्योर आप ये चीज़ें ज़रूर कंसीडर करना। थैंक यू।